आज का जो फेस टू फेस है ना, वो आपको एक रूल ड्रिवन इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाएगा। आज हमारे साथ जो फेस टू फेस गेस्ट जुड़े हैं वो हैं कलकत्ता के, ये आईटी प्रोफेशनल रहे हुए हैं, आईबीएम में पहले काम करते थे और अभी मार्केट में फुल टाइम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करते हुए। हमारे साथ जुड़े हैं दादा, मैं इनको दादा बोलूँगा, अभिषेक। तो आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखोगे तो यू विल फाइंड 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स। क्यों है? मार्केट ऑलवेज गिव्स यू व्हाट यू वांट, सो यू हैव टू फिगर आउट आपको क्या चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप एफएनओ भी करने लगोगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपको कोई कुछ बता रहा है आप वो भी ले रहे हो। तो आप जब स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि आप तो लाइव कर रहे हैं तो मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो क्या वो सेम स्ट्रेटेजी हर मौसम को हैंडल कर सकता है या हर मौसम की अलग स्ट्रेटेजी है? तो आप बास्केट ऑफ स्ट्रेटेजीज रन कर रहे हो तो कभी कोई स्ट्रेटेजी अच्छा चलेगा, कभी कोई चलेगा। अज्यूमिंग कि 1 करोड़ रुपए हैं सबके पास, तो 20 साल वाले को ज़्यादा क्या करना चाहिए और 60 साल वाले को ज़्यादा क्या करना चाहिए? एंड ये चीज़ मैं इंडियन मार्केट्स में बहुत देखता हूँ। पीपल हैव ट्रेंड देयर माइंड्स, दे हैव टैग्ड देमसेल्व्स एज वैल्यू इन्वेस्टर्स, दे हैव टैग्ड देमसेल्व्स एज मोमेंटम इन्वेस्टर, दे हैव टैग्ड देमसेल्व्स मैं सिर्फ ग्रोथ करता हूँ। भाई आप जब इन्वेस्टिंग चालू की, आपने आपके पास तो टैग था नहीं।